चूरू कलेक्ट्रेट में सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 10 पार्षद अब्दुल कासिम ने जिला कलेक्टर को इस्तीफा सौंपा है। जिला कलेक्टर को इस्तीफा सौंपते हुए पार्षद अब्दुल कासिम ने बताया कि उन्होंने 2021 में पार्षद पद का चुनाव जीता था, लेकिन सभापति व सभापति प्रतिनिधि द्वारा उनके वार्ड के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद सुजानगढ़ प्रशासन सभापति प्रतिनिधि के इशारे पर उनके वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उपरोक्त समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर वे इस्तीफा दे रहे हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा भी इस्तीफे देने पर कोई रिसिप्ट नहीं दी गई। हमारे सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 10 के पार्षद है अब्दुल कासिम, जिनको इस तरह से नगर परिषद प्रशासन व सभापति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, न इनके वार्ड में काम किया जा रहा है और न ही जो ये काम बताते हैं वो करते हैं। इनके साथ दुर्भावना से व्यवहार किया जाता है, जबकि सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड है और ये भी कांग्रेस से पार्षद है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इसके चलते इन्होंने अभी पिछली 8 तारीख को सुजानगढ़ रिटर्निंग ऑफिसर उपखंड अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन राजनीतिक लोगों ने इन पर दबाव बनाकर इनका इस्तीफा में 420 कर ली और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के चलते आज हम यहाँ माननीय चूरू जिला कलेक्टर महोदय को इस्तीफा देने आए हैं, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय ने भी हमारे इस्तीफे को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, न तो हमें रिसीव दी और न ही उस पर कोई काम किया। उन्होंने कह दिया एक बार देख लेना, आप पुनर्विचार कर लेना। अगर हमें पुनर्विचार ही करना होता तो हम सुजानगढ़ से चलकर चूरू क्यों आते? हमें हमारा इस्तीफा मंजूर करवाना था, लेकिन अधिकारी राज के और सत्ता के दबाव में रहते हैं और ये इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। आपका नाम? मैं नरेंद्र गुजर हूँ, सुजानगढ़ मेरा गांव है।